अब फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, अ मशीन इज रिप्लेस्ड विद एवरेज रनिंग कॉस्ट, यानी इसका करेक्ट आंसर है अपने पास इफ करंट पीरियड इज लेस देन दैट ऑफ नेक्स्ट पीरियड। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स अपने पास, वो है द कर्व यूज टू इंटरप्रेट मशीन लाइफ साइकिल इज, और उसका करेक्ट आंसर है अपने पास फ्रेंड वो है अपने पास वोथ ट्यूब कर्व। क्वेश्चन नंबर 10 है डिक्रीजिंग फेलियर रेट इज यूजुअली ऑब्जर्व इन स्टेज ऑफ द मशीन, किस स्टेज के लिए है ये हमारे पास, उसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स हमारे पास इन्फेंट। और क्वेश्चन नंबर 11 है विच कॉस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज इरिलेवेंट टू रिप्लेसमेंट एनालिसिस, उसका करेक्ट आंसर है परचेज कॉस्ट ऑफ द मशीन। और क्वेश्चन नंबर 12 है अपने पास द टाइप ऑफ फेलियर दैट यूजुअली अकर इन ओल्ड एज ऑफ द मशीन इज, ये इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स हमारे पास वियर आउट फेलियर। क्वेश्चन नंबर 13 है ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी इज मस्ट सुटेबल फॉर, तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स हमारे पास स्ट्रीट लाइट बल्ब्स। क्वेश्चन नंबर 14 है द चांस फेलियर दैट अकर टू मशीन इज कॉमनली फाइंड ऑन अ ग्राफ ऑफ टाइम वर्सेस फेलियर रेट ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टली एज, इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स हमारे पास लाइन नियरली पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 15 है अपने पास रिप्लेसमेंट ऑफ एन आइटम बिकेम नेसेसरली वैन, तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ओल्ड आइटम बिकेम टू एक्सपेंसिव टू ऑपरेट और मेंटेन, यानी कि जो ओल्ड आइटम है उसको हमारे पास बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा उसको रिपेयर करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, तो उस कंडीशन में हम रिप्लेसमेंट यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास फ्रेंड्स द प्रोडक्शन मैनेजर विल नॉट रिकमेंडेड ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी, उसका करेक्ट आंसर अपने पास फॉर रिप्रूवल आइटम। और क्वेश्चन है अपने पास इन रिप्लेसमेंट एनालिसिस द मेंटेनेंस कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स टाइम।